आजकल की रिलेशनशिप्स की रियलिटी तो बस यही है। रिलेशनशिप्स को लेके हमारे लॉजिक्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी डेफिनेशंस सब बहुत अलग होते हैं। हम इसमें नहीं होते हैं तो सोच कुछ होती है, होते हैं तो सोच कुछ और हो जाती है, और निकल जाएं तो सोच पूरी की पूरी बदल जाती है। चाहे रिलेशनशिप्स हों या लोग, ये सब हम खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं और खुद ही बताते हैं दुनिया को कि ऐसा ही होता है। रियलिटी ये है कि जो आपके साथ हो रहा है या हुआ, वो लोगों से मैच ज़रूर कर सकता है, पर सबके साथ वही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हमारी रिलेशनशिप अच्छी और ख़राब होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। शुरू यहाँ से होता है कि हम खुद कैसे हैं, फिर हमारे कर्म कैसे हैं, और फिर हमारी किस्मत कैसी है। ये भी सच है कि लोग प्यार करते हैं, और ये भी सच है कि किसी किसी को सारी ज़िंदगी एक अच्छा और सच्चा प्यार करने वाला शख्स नहीं मिलता। डिजिटल वर्ल्ड में हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, हमारी किस्मत और रिलेशनशिप भी वैसी ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। यहाँ किसी किसी को पहली ही बार में लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तो किसी को एक बार धोखा मिलने के बाद लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तो कोई सारी ज़िंदगी धोखे खाता रह जाता है या प्यार को तलाशता रह जाता है। सोशल मीडिया पे कपल गोल्स वाले पिक्चर और वीडियोस देख के लगने लगता है कि कितने परफेक्ट कपल हैं। काश हमारे पास भी ऐसा ही कोई होता जो ऐसी ऐसी चीज़ें करता। उस एक पोस्ट से हम या तो अपने पार्टनर से कंपेयर करने लगते हैं या उसे अपनी फ्यूचर रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। कहीं कोई कोट पढ़ के अपना ब्रेन वॉश कर लेना या किसी की गलत बातों में आके अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर लेना, ये सब ठीक नहीं है। थोड़ा रिलैक्स करो, हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं। रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम्स आते ही हैं। रिलेशनशिप्स में सिर्फ शोना बाबू करना, चाशनी जैसी मीठी मीठी बातें करना या फिजिकल या और किसी नीड्स को सेटिस्फाई करना, सिर्फ ये सब ही नहीं होता। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी के साथ रिलेशनशिप में होना। ज़िंदगी भर का साथ निभाना होता है, अच्छे बुरे हर फेज से गुजरना होता है बिना गिव अप करे। एफर्ट्स डालने होते हैं, प्रायोरिटी बनाना होता है, वो सब चीज़ें जो आपको और आपके प्यार दोनों को खुश रखें, जो कि इतना आसान नहीं होता जितना सोचने में लगता है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। 10 चीज़ें मैच करेंगी तुम्हारी उससे, 5 चीज़ें नहीं करेंगी। कोई परफेक्ट नहीं मिलता, एटलीस्ट सबको तो नहीं मिलता एक ऐसा इंसान जो हर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सके। अपने आप को थोड़ा बैलेंस्ड करके चलो अगर खुश रहना है, किसी भी तरफ ज़्यादा झुके तो परेशानियों में पड़ जाओगे। अपनी एक्सपेक्टेशंस और इमेजिनेशंस को थोड़ा कंट्रोल में रख के चलो, वरना वही होगा जो सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में सब हरा भरा लगेगा, बाद में फीका हो जाएगा। हम लोगों की दिक्कत यही है कि हम रिलेशनशिप के आइडिया से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, पर रियलिटी में हम रेडी नहीं होते हैं रिलेशनशिप्स के लिए, स्पेशली उससे जुड़े कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स के लिए, और ये चीज़ें हमें बाद में ही पता चलती हैं। इसीलिए ये मत सोचो कि तुम कैसे एक बैड रिलेशनशिप को अवॉइड कर सकते हो उसमें पढ़ने से। बैड और गुड ये सब तो बाद में पता चलता है। बस प्रिपेयर्ड रहो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे फेज को फेस करने के लिए, और कॉन्फिडेंट रहो, बाकी जो होना होगा उससे कोई नहीं रोक सकता, अच्छा बुरा सही गलत जैसा भी।